इंडिया के अंदर आईफोन जो 12 है उसकी मैन्युफैक्चरिंग हो रही है। ये बहुत बड़ी खबर है भारत के लिए। एक आप ये समझ लें कि एक नया स्टेटस मिला भारत को इस हवाले से। एक ताइवान की जो कंपनीज हैं, बेसिकली एप्पल, जितना एप्पल जो अपनी मैन्युफैक्चरिंग करवाता है वो दो तीन कंपनियों से करवाता था, और एक कंपनी है जिसका नाम है फॉक्सकॉन। वो अपना जो यूनिट्स हैं, जो मैन्युफैक्चरिंग है, वो इंडिया लेके जा रहा है तमिलनाडु के अंदर, और ये सदरन इंडिया में आपको पता है। और ये जो नया आईफोन है ये 5G एनेबल्ड फोन है, और ये मेरे ख्याल पहली दफा ऐसे होगा कि इस तरह की जो एक फ्लैगशिप डिवाइस है ये चाइना के बाहर से बन रही है। तो ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है इस हवाले से। और अगर देखा जाए कि जो एप्पल है वो अपनी आईफोन मैन्युफैक्चरिंग तीन ताइवानी कंपनियों से करवाता था। एक का नाम है फॉक्सकॉन, जो कि ज्यादातर जानी जाती है ऑन हाई प्रिसियन इंडस्ट्री के नाम से, दूसरी पैगाट्रॉन और तीसरी विस्ट्रॉन। और मजे की बात है, ये तीनों कंपनियां सम हाउ दे आर गोइंग इंडिया। इसकी मैं वजूहत भी बताता हूँ कि ये हाउ डिड इंडिया टर्न अराउंड दिस, ये कैसे उन्होंने बनाया। कुछ उनकी अपनी क्वालिटीज थी, कुछ एनवायरनमेंट इस तरह था, कुछ ग्लोबल एनवायरनमेंट इस तरह हुआ, कुछ सप्लाई चेन रिक्वायरमेंट्स डेवलप हुई। और ये बड़ी इंटरेस्टिंग चीज़ है कि कोविड के बाद, और कोविड ने जिस तरह इंडिया को ये एक पोजिशन दी है। सो अगर देखा जाए इंडियन मार्केट जो है वो खुद जो है वो तकरीबन इंडियन गवर्नमेंट जो है वो स्मार्टफोन मैन्युफैक्चरिंग के ऊपर एनुअल सब्सिडीज देगी 4 से 6% पहले 5-1 साल। और जैसे मैंने पहले बताया कि जो पैगाट्रॉन है वो भी इंडिया में अपने आप को एक्सपेंड कर रही है, विस्ट्रॉन भी एक्सपेंड कर रही है, और फॉक्सकॉन तो ऑलरेडी इस्टेब्लिश कर रही है। इसके अलावा जो फॉक्सकॉन है उसने ये भी फैसला किया है कि वो अपने जो आईपैड्स हैं, ये जो मैकबुक प्रोडक्शन है वो भी शिफ्ट करेगी चाइना से, और वो वियतनाम की तरफ जा रहे हैं। ये एक बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। और इसको मैं अगर पहले अगर स्ट्रेटेजिकली देखूँ, अगर आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश करूँ कि हाउ डिड इंडिया मेक दिस, द फर्स्ट थिंग यू हैव टू अंडरस्टैंड प्रेजिडेंट ट्रम्प आपके जहन में आएंगे, क्योंकि प्रेजिडेंट ट्रम्प जो थे उन्होंने बेसिकली, जैसे आप कहते हैं ना कि जो अपनी सप्लाई चेन जो स्ट्रक्चर है और जो एक्सपोर्ट कंट्रोल जो कंप्लायंस है वो बदल दी, जिसका बहुत बड़ा फायदा जो है वो जारी बात है इंडिया को हुआ है। और इंडिया इस समझे कि इसका सबसे बड़ा बेनिफिशरी था। और क्योंकि ट्रम्प साहब के बारे में कहा जाता है कि उन्होंने तो ट्रेड वॉर शुरू कर दी, और जितनी बड़ी बड़ी यूएस कंपनीज हैं, एप्पल, माइक्रोसॉफ्ट, गूगल, अमेजोन, कॉलकॉम, डेल, ये सारी ये भी ऑलरेडी बिजनेस कर रही थी। तो ये एक आप ये समझ लें कि ये पहली दफा हुआ है कि जो टेक इंडस्ट्री है उसने दे नेवर अंडरस्टूड कि जी इंटरनेशनल जो पॉलिटिकल डायनामिक्स हैं वो इस तरह के हो सकते हैं कि हालात बदल सकते हैं और इंडिया को ये अहमियत मिलेगी। अगर मैं आपको बताऊं कि जो अपना एप्पल है वो अपना 20% जो शेयर था वो चाइना से कमाता था, और इसी तरह जो इंटेल है वो भी अपना 20% यहीं से कमाता था। इवन के एक जो मोबाइल चिप कंपनी है कॉलकॉम, वो भी अपनी 60% सेल जो थी वो चाइना से लेती थी। तो चाइना से हर चीज जो है वो निकल रही है। सो मैंने कुछ चीजें नोट डाउन की आपको बताने के लिए कि किस तरह अमेरिकन ने, देखें ये एक मैक्रो लेवल पे चेंजेस आई हैं जिसकी वजह से वो सारी की सारी मार्केट वो जो है वो चाइना से निकल के इंडिया की तरफ जा रही है। सो सबसे पहले तो देखा जाए कि एक तो कोविड आया, कोविड में सप्लाई चेन का बड़ा चैलेंज आया, उससे पहले ट्रेड वॉर्स थी और बहुत ज्यादा टैरिफ्स ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन ने लगाने शुरू कर दिए, किसी ने इसको टेक्नोलॉजी वॉर कहना शुरू कर दिया, और बड़े बड़े हाई टैरिफ्स लगा दिए चाइनीज कंपनीज के ऊपर, 25-25% एडिशनल टैरिफ्स लगा दिए, बिलियंस ऑफ डॉलर्स के नुकसान होने लग पड़े उनको। तो जो बेसिकली एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स हैं वो चेंज किए, और इमेजिन करें अमेरिकन फ्रस्ट्रेशन कह लें या उनका प्लान कह लें चाइना के बारे में टू डेंट चाइना, कि एक साल में उन्होंने 3 दफा अपने एक्सपोर्ट कंट्रोल रूल्स चेंज किए, और तकरीबन अमेरिका ने 70 चाइनीज कंपनियों को ब्लैकलिस्ट किया ताकि वो चाइना के ऊपर प्रेशर डाल सके। और इसके साथ अगर देखा जाए यूएस कंपनी के ऊपर भी प्रेशर डाला गया जो ताइवान में बिजनेस कर रही थी, बल्कि ये कहा जाता है कि जो यूएस एम्बेसी है उन्होंने बकायदा जाकर थ्रेटन किया कि जी जो चाइनीज अमेरिकन कंपनीज हैं वो चाइनीज का बाइकॉट करें और यहाँ से निकलें और यहाँ से अपनी प्रोडक्शन खत्म करें। अब बहुत सारे लोगों को, जब मैं ये रिसर्च कर रहा था इस वीडियो को बनाने के लिए, तो मैंने नोट किया कि जो बीजिंग का जो टेक्नोलॉजिकल अथॉरिटेरियन मॉडल है, मीन्स का जो कंट्रोल था इस सारे टेक्नोलॉजी के ऊपर और सारे रिजीम के ऊपर, उसको बेसिकली तोड़ा है
अमेरिका ने, और अब ये समझ लें कि ये एक बहुत बड़ी एक जीत है अमेरिका की और जीत है इंडिया की, बिकॉज इंडिया बिकेम एन ऑटोमेटिकली अल्टरनेट बन गया। दोस्तों जैसे आप सभी ने सुना कि किस तरह से चाइना में बड़ी बड़ी कंपनियां जो मैन्युफैक्चरिंग कर रही थी वो अब वहाँ से हटकर ताइवान और इंडिया की तरफ रुख कर रही हैं। आप इसे कह सकते हो कि ये जो कोविड के दौरान चाइना का जो रवैया रहा, वहीं से वायरस फैला, इसके बावजूद चाइना ने जो रवैया दिखाया, ना अब तक अपनी जिम्मेदारी कबूल की, बल्कि इसके बावजूद दूसरे देशों पर आरोप प्रत्यारोप लगाए, WHO के चीफ को पैसों से खरीद कर उससे अनर्गल बयान दिलवाए, उससे दुनिया तंग आई, और भारत जब का रवैया इस COVID-19 के पैंडेमिक के दौरान सकारात्मक रहा, भारत अब दुनिया भर को दवा में कोरोना की वैक्सीन भी सप्लाई कर रहा है, इन सब के चलते उसके नतीजे अब सामने आने लग गए हैं। दुनिया भारत की सॉफ्ट पावर को पहचान गई है और भारत की मैन्युफैक्चरिंग पावर को पहचान गई है, और ये बदलाव आगे भी आते रहेंगे और भी बड़ी बड़ी कंपनियां भारत में आएंगी। वो दिन दूर नहीं जब चाइना मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाने की बजाय इंडिया मैन्युफैक्चरिंग हब कहलाएगा। तो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, अपना ख्याल रखिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।